श्रीलंका या भारत का कोई भी पड़ोसी जब मुसीबत में फंसता है तो फिर उसे याद भारत की आती है, और भारत भी उन देशों को निराश नहीं करता। यही कारण है कि इस बार जब चीन से श्रीलंका को धोखा मिला तो भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया। नैनो लिक्विड यूरिया की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसके तहत भारत ने श्रीलंका को यूरिया की मदद भेजी है। खबर समझिए आखिर कैसे श्रीलंका को चीन ने धोखा दिया, या यूं कहिए कि उसे चपत लगाया। पहले तो खबर बताते हैं, भारतीय वायुसेना के विमानों से 100 टन नैनो लिक्विड यूरिया की खेप एयरलिफ्ट कर श्रीलंका भेजी गई। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी और कहा कि श्रीलंका सरकार की ओर से नैनो यूरिया के लिए तत्काल समर्थन की मांग की गई थी। इसके चलते दो भारतीय विमानों ने नैनो यूरिया को एयरलिफ्ट कर वहां भेजा। भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर श्रीलंका की उम्मीद की किरण बनी। श्रीलंकाई सरकार की ओर से नैनो यूरिया की मांग किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से इसे एयरलिफ्ट कर दो विमानों के जरिए 100 टन नैनो यूरिया कोलंबो भेज दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मई में रासायनिक यूरिया के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले के कई महीनों बाद नैनो नाइट्रोजन लिक्विड यूरिया का आयात किया गया है। प्रतिबंध के बाद श्रीलंका को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारत ने श्रीलंका को नैनो यूरिया की आपूर्ति में तेजी लाने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय एम्बेसी की तरफ से बताया गया है कि C-17 विमान के संचालन को श्रीलंकाई वायुसेना के साथ संपर्क कर समन्वित किया गया। भारतीय वायुसेना के विमान की त्वरित तैनाती और रातों रात तेजी से फर्टिलाइजर पहुंचाना दोनों देशों के बीच निकट समन्वय को दर्शाता है। चीफ ऑफ स्टाफ श्रीलंका एयरफोर्स के द्वारा भी भारतीय विमान के चालक दल का स्वागत किया गया। श्रीलंका की तरफ से भारतीय वायुसेना को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और आवश्यक मामलों में निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। दरअसल चीन की किंग दाओ सिवीन बायोटेक की तरफ से भेजी गई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एक खेप को परीक्षण में दूषित पाए जाने के बाद उसके भुगतान को रोकने का आदेश जारी हुआ था। श्रीलंका ने चीनी फर्टिलाइजर कंपनी की इस खेप को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस की जांच में वो फर्टिलाइजर दूषित पाया गया है। इस दूषित फर्टिलाइजर को श्रीलंका ने अपने बंदरगाहों पर उतारने की भी अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद से श्रीलंका और चीन के बीच इस मामले पर तनाव बढ़ गया और अब भारत संकट मोचन बनकर श्रीलंका के लिए सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।